देखिए ना, उड़ रहा है पंजाब, कहाँ तक उड़ा है, दिल्ली आके बैठा है, उड़ा है पंजाब, खूब उड़ा है, अभी भी उड़ रहा है और उड़ेगा, उड़ रहा है पंजाब। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी फार्मर्स है, हम डॉक्टर्स हैं, तो ऐसा ये तो नहीं हो कि हमने फार्मिंग छोड़ दी। ये तीन लोग खड़े हैं डॉक्टर हैं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है जी। हमारे माँ बाप ने अगर खेती की है, ठीक है, अगर 4,000-5,000 महीने का खर्चा है तो हमें 2,000-2,500 के स्कूल में पढ़ाया, कॉन्वेंट में इतना पढ़ाया, हम तभी डॉक्टर्स बने हैं ना। अगर मेहनत करके कोई ऊपर पहुंचा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? यही हमारी सरकार को समझना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हमें हिंदू मुस्लिम और सिख में बांटने में लगे हुए हैं। किसी के राइट्स को एकदम दबाते जाओ तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना सर। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा, भी ये क्यों आए हैं, वही गोदी मीडिया इनको आतंकवादी का रूप दे रहा है, भी ये खालिस्तान है, ये कुछ नहीं। आप देखो तो सही, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम जो हमारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट पे जो लोग भी जितने भी लोग आए हैं, फार्मर्स हैं या ना भी हैं, उनको हम मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई संस्था है आपकी जान से? संस्था नहीं, हॉस्पिटल है हमारा SGRD, श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अमृतसर से। हम इंटर्न्स हैं वहाँ से आए हैं, जो फंड्स हम स्टूडेंट्स ने इकट्ठे किए हैं वो उनसे दवाइयाँ लेकर वो हम यहाँ आके कैंप लगाया है, तो उनसे हम मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कलेक्ट किया फंड्स अपने और उसके बाद सेवा कर? हाँ जी, कॉलेज वालों ने भी जो फंड्स इकट्ठे किए थे वो दिए हैं उनसे मेडिसिन। आप यूथ हैं, मेडिकल लाइन से हैं, आप एक बात बताइए, यहाँ जो आंदोलन हो रहा है किसानों का आंदोलन है, ये किसान लोग अपनी खेती करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, लेकिन तरह तरह के सवाल कि ये गाड़ी में घूमते हैं, आईफोन वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी फार्मर्स है, हम डॉक्टर्स हैं, तो ऐसा ये तो नहीं हो कि हमने फार्मिंग छोड़ दी, खेतों को कर दिया खत्म कर दिया। हमने मेहनत की, हमें इतना पढ़ाया, हम तभी डॉक्टर्स बने हैं ना। अगर मेहनत करके कोई ऊपर पहुंचा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? यही हमारी सरकार को समझना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हमें हिंदू मुस्लिम और सिख में बांटने में लगे हुए हैं। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा, भी ये क्यों आए हैं, वही गोदी मीडिया इनको आतंकवादी का रूप दे रहा है, भी ये खालिस्तान है, ये कुछ नहीं। आप देखो तो सही, लंगर चल रहा है, सभी की सेवा हो रही है, यहाँ पे जो झोपड़ा भट्टी वाले लोग हैं उनको भी खाने के लिए मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इसको खालिस्तानी और आतंकवादी का रूप मत दीजिए, ये लोग सिर्फ अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं, आप उनकी सुनिए बस। आप एक बात बताओ, यहाँ पे कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है? कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ठीक है। ये सवाल किसने उठाया ये सवाल? मीडिया वाले या सरकार उठा रही है? हम में से यहाँ पे किसी ने नहीं कहा। हम लोग अभी, आपने अभी देखा होगा कि हम लोग भी इनके साथ बैठे हुए थे, कोई हम ये सोच के थोड़ा ना बैठे हैं यार कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, यहाँ पे सभी एक है। आप लोग डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पूर्वज जो है किसानी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमें तभी मेहनत करते हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं, ये खाते भी हैं और उससे जो पैसे आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या इस देश का भविष्य सही डायरेक्शन में जा रहा है? देखो, जो इस देश का जो भविष्य है वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए, हम लोगों का कोई मन था, हमारा कोई अंदर से आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम लोग इधर आए हैं, इसलिए हम लोगों का वो मन कर रहा था कि हम भी जाकर उनकी सेवा करें। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई इसको किसी को मेडिकल फैसिलिटी का, हम लोगों को दिमाग में आया कि हमने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो फिर इसलिए हम लोग आए हैं। ये बीमार भी हो रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं, बीमार वाले बहुत सारे हैं, उनकी बॉडी पेन हो रही है, कोई कंफर्ट तो नहीं है ना, यहाँ कंफर्ट तो नहीं है किसी के लिए। हाँ, पूरे आसमान के नीचे इतनी ठंड में सुबह कोहरा पड़ रहा होता है, ठीक है, 10-10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो खुले में पड़े हैं तो बीमार तो होंगे। किसको शौक होता है ऐसे आने का, किसको शौक होता है? किसी को नहीं शौक होता। लेकिन इसको ये बताया जा रहा है कि आप आईफोन यूज करने वाले किसान हैं, आप हमर पे घूमते हैं, कनाडा घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, इनके बात है ना। ये अब दो मुद्दे हैं, पहली चीज तो वो बता रहे हैं कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये इतना कुछ ऑर्गेनाइज कर सके, मास मीडिया इतना प्रिवेल कर सके, नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग पे, कि ये कर ही नहीं सकते। अब ये तीन लोग खड़े हैं, डॉक्टर हैं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है जी। हमारे माँ बाप ने अगर खेती की है, ठीक है, अगर 4,000-5,000 महीने का खर्चा है तो हमें 2,000-2,500 के स्कूल में पढ़ाया, कॉन्वेंट में, ठीक है जी, ताकि हम आगे जाके वो चीज़ फेस ना कर पाए, ठीक है। अगर आज हम इस चीज़ को सोशल लेवल पे आगे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका ही दिया हुआ है कि हम इस मूवमेंट को इतनी हाइट पे लेके जा चुके हैं।
उसको ये लोग नाम देते हैं कि हाँ आईटी सेल है, इनके पीछे वो काम करते हैं। सेकेंडरी चीज़ है कि इस चीज़ को टेररिज्म के साथ रिलेट करना। अब इसमें मैं यहाँ का कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट टोटली उससे बहुत परे है। 2012 में जेम्स फॉले अमेरिकन एक जर्नलिस्ट था, वो मिसिंग हो गया था। आफ्टर टू ईयर्स एक आईएसआईएस ने वीडियो पोस्ट की थी उसकी एग्जीक्यूशन की, वो टेररिज्म है। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हो, आपको कितना इनसिक्योर फील हो रहा है हमारे हम लोगों के बीच में? कुछ नहीं, हम तो घूम के डेली आप लोगों से मिलते हैं, सब दिखा रहे हैं क्या चल रहा है। इतनी जद्दोजहद करते हो उधर से इधर आने में, कभी आपको फील हुआ किसी ने आपको काटा भी हो? मैं ये पूछता हूँ, ये सेम क्वेश्चन मैंने आज जी न्यूज़ के एंकर से पूछा था, उन्होंने चलो कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो निकल गए वहाँ से। तो मैं ये दोनों चीज़ें मतलब ये टोटली सेपरेट है। जिनको रोटी तो खाते हैं ना, अब आप मान लो कि हम बड़े जर्नलिस्ट हो गए है ना, बड़े तो कैसे हो गए वो सब जानते हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं आजकल। पैसा तो कोई भी नहीं खाएगा, ठीक है। अब लॉकडाउन की एग्जांपल ले लो, सब बंद था, मेरी अपनी जॉब नहीं थी घर पे, ठीक है जी। मैं 6 महीने 7 महीने घर पे रहा हूँ, चाहे मैं 20,000 कमाता चाहे 25,000, लेकिन खाया तो मैंने खाना ही है ना। और मेरे माँ बाप ने मुझे एक दिन भी ये नहीं कहा कि हाँ तेरी जॉब नहीं है तू यहाँ से, मतलब हमें कुछ दे नहीं रहा घर पे। तो इन दी एंड आपने फूड ही खाना है, फूड आपके पास सरप्लस है, ठीक है जी, है हमारे पास, हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप किसी के राइट्स को एकदम दबाते जाओ, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना सर। अब पहले कहते थे कि हाँ जो हमारा एज ग्रुप है वो डेड हो चुका है टोटली, ठीक है। अब उसी को ये इलिटरेट बता रहे हैं, उसी को ये नशों में गिरा हुआ बता रहे हैं, आप देखिए कितने लोग खड़े हैं। इसको ये भी रंग दिया गया उड़ता पंजाब वाले शक्ल में, मतलब देखिए ना उड़ रहा है पंजाब, कहाँ तक उड़ा है, दिल्ली आके बैठा है, उड़ा है पंजाब, खूब उड़ा है, अभी भी उड़ रहा है और उड़ेगा, उड़ रहा है पंजाब। लेकिन रियल पंजाब की जो रियल पंजाब की जो इमेज है वो मीडिया को दिखानी चाहिए, जो यूथ की परेशानी है, जो किसानों की परेशानी है। लेकिन ये पंजाब को उड़ता पंजाब, अगर मीडिया फ्री होगा तो वो दिखाएगा ना, मीडिया के हाथ बंधे हुए हैं। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो मजबूर है, मीडिया वाले वो आते हैं वो अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो चीफ एडिटर और जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर जो काम करते हैं, आपको पता है जो मीडिया वाले यहाँ पिट रहे हैं या बहिष्कार हो रहा है वो बेचारे, यहाँ कोई कसूर नहीं है, पिटा नहीं है, बहिष्कार हुआ है लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ। जो बैठे हैं वो कभी आते नहीं है, जो मुद्दा चला वो नहीं आ रहे, वही है ना, सुधीर चौधरी जी न्यूज का वो है, वो आए यहाँ पूछे कौन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अर्नब आ जाए। लेकिन सुधीर चौधरी तो एक किसान के बेटे हैं, चौधरी है क्या सर, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो कौन है वो बंदा, ठीक है जी। सर इतने यंग जर्नलिस्ट है, मेरे से भी 3 साल छोटी थी लड़की जो आज जी न्यूज का माइक उठा के घूम रही थी, मतलब आई डोंट थिंक कि ये चीज़ सही है कि तुम उन लोगों को आगे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किसी को आगे ऐसे यंग उसको आगे करो, ठीक है ना। सेनापति लड़ने थोड़ी आता है, प्यादे ही लड़ते हैं। तो सर अभी वो टाइम नहीं है ना, जंग युद्ध वाला, पहले तो कहते हैं कि चला गया है टाइम, अब फिर से वही चल तो वही कुछ रहा है ना। आपने कभी देखा है कि कर्नल साहब लड़ रहे हो जाके वहाँ? अरे सर लड़ता तो सिपाही ही है ना, वही है ना। अब 10 सेकंड में से 10 सेकंड में से 2 सेकंड 3 सेकंड की क्लिप काट के चलाएंगे, अब वही है ना। और नैरेटिव है उसको कैसे पेश करना है वो तो टोटली, अब एक वीडियो मैं बना लूं किसी की कुछ भी दिखा दूं तो वो आई थिंक ट्रस्टवर्दी नहीं है।